अरे तो मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तुमसे बात करूँ। अरे मैंने बोला ना मुझे आने दे नीचे। अरे छीन क्यों रही हो बत्तख क्या? अरे तो आप भी तो छीन रहे हैं। अरे बट कुछ अरे बट एक सेकंड मेरी बात सुनो। अरे आप मेरी बात सुनो। अरे मैं सीरियल सुमन इंदौरी में आया है एक रोमांटिक ट्विस्ट जहां दिखा सुमन और तीरथ का क्यूट मोमेंट। जी हां, दरअसल जब सुमन अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि तीरथ अपना बिस्तर जमीन पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर सुमन सवाल करती है, ये क्यों हो रहा है? रूमी जी आप अरे क्यों तीरथ उसे बताता है कि वह अपना बिस्तर अलग लगाकर सोएगा, लेकिन सुमन उसे जमीन पर सोने के लिए मना करती है। इसी दौरान दोनों के बीच तकिए को लेकर छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, जिससे तकिया फट जाता है और उसकी रुई पूरे घर में फैल जाती है। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप दीजिए मुझे। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? अरे आप क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं? अरे तो मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तुमसे बात करूँ। अरे मैंने बोला ना मुझे आने दे नीचे। अरे छीन क्यों रही हो बत्तख क्या? अरे तो आप भी तो छीन रहे हैं। अरे इसके बाद दिखता है सुमन और तीरथ का क्यूट मोमेंट। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब तीरथ सुमन की बात मानकर बेड पर सोने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुमन सोने आती है तीरथ बीच में एक तकिया रख देता है, फिर दोनों सो जाते हैं। इसके साथ कहानी में एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है जब देविका अपनी बहन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा था तेरे दुनिया के वजह से तुझे सदमा लगा है, इसलिए तेरा दिमाग खराब है, तूने तो सबको बेवकूफ बनाया। वहीं तीरथ भी अपनी भाभी से कहता है कि उसे सब पता है इनका नाटक, जिस पर कृतिका तीरथ से लिपट कर माफी मांगती है और कहती है, मुझे एक और मौका दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तीरथ कुछ सोचने के बाद कहता है, ठीक है, लेकिन अब से तुम्हें सुमन की सारी बात माननी पड़ेगी, और अगर तुमने सुमन को परेशान किया तो याद रखना। इस पर कृतिका कहती है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तभी वहां सुमन आ जाती है और कहती है कि यह बात बापूजी के सामने होनी चाहिए ताकि उन्हें सब पता हो, लेकिन तीरथ मना कर देता है और सुमन को समझाता है। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।